हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन बटन है वो भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रेजेंट टाइम पर चल रही है, यानी कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो आपकी अभी भी चल रही है। 16 तारीख से 16 मार्च से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी और 24 मार्च तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। कब तक? 24 मार्च तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। ये काउंसलिंग चल रही है लेकिन इस काउंसलिंग के बीच में एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि हमें डॉक्यूमेंट्स में क्या गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, किसकी गैप सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ा डाउट आपके लिए आ रहा है। क्या हमें गैप के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा या नहीं बनवाना पड़ेगा, इसका ऑफिशियल प्रूफ हमें बताइए कि हमें गैप सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। हर कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से और फुल जो भी ऑफिशियल जानकारी होती है वही आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, कोई फालतू की जानकारी आपके लिए नहीं दी जाती। जैसा कि आप सभी जाकर देखोगे बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शंस पर जाकर आप देखते हो, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक गाइडलाइंस भी देखने को मिलती है, किसकी? बीएससी नर्सिंग की गाइडलाइंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस गाइडलाइंस में डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं कर रखा है। आप सभी इस चीज़ को जानते हो कि इस गाइडलाइंस में डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं कर रखा है। आप सभी एक बार चाहो तो अभी डाउनलोड करके देख सकते हो, लेकिन इसमें मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है लेकिन फिर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपके लिए। इसमें कोई भी जिक्र डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड नहीं है, देख पा रहे होंगे आप। इसमें ना तो आपके अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड कोई बात दे रखी है, ना ही रिपोर्टिंग की कोई चीज़ दे रखी। केवल इन्होंने 500 रुपये दे रखे कि हमें तो 500 रुपये चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस 500 रुपये और डेट के दे रखी है कि 550 रुपये हमें दे दो और बाकी तुम्हारे मर्जी पड़े वो करो। ये फालतू की चीज़ इन्होंने दे रखी है। लेकिन अपने को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको दिखाऊं, लास्ट ईयर का जो आरएचएस का नोटिफिकेशन यानी कि लास्ट ईयर आरएचएस की जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस थी वो मेरे पास है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं, गैप सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एडमिशन के टाइम आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। यह बात ध्यान रखना कि एडमिशन के समय गैप सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। केवल इसकी जरूरत कब पड़ती? गैप सर्टिफिकेट अगर किसी के गैप लगा होता है, यार किसी के नहीं, मान लो किसी ने 2018 में पास की थी और वो अब नर्सिंग करना चाहता है, 2021 वाले बैच में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको गैप सर्टिफिकेट, उनके बीच में जो गैप रहता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन इस ये सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए नहीं बनता, ध्यान देना, एडमिशन के लिए यह सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। गैप सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो तब बनता है जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, किसका? छात्रवृत्ति का फॉर्म भरोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। छात्रवृत्ति के फॉर्म भरोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, किसकी? गैप सर्टिफिकेट की। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो ये बात आपका सबसे बड़ा डाउट यही था कि गैप सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी स्टूडेंट्स का मेरे पास बार बार मैसेज कॉल इसी बात पर आता है कि हमें गैप सर्टिफिकेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा मत बनाइए, कोई जरूरत आपको अभी नहीं है। जब आपको एडमिशन हो जाएगा तब उसके बाद आप आराम से बना लेना, ठीक है। अब मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये लास्ट ईयर का आरएचएस का ही काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह है, इसी के तहत मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। एक और डाउट था कि एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा, कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना, यानी कि जो एससी और एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र है, एससी और एसटी का जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के बारे में तो बता दिया लेकिन एससी और एसटी का कुछ नहीं बताया, तो क्या आप बता पाओगे? तो इसलिए मैं इस वीडियो में भी डिस्कस कर लूंगा आपसे। तो चलिए, तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के वो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ आरएचएस ने खुद ने दे रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल चालान, इस बार चालान की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार चालान आपका नहीं निकल रहा है, तो चालान आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हो इस बार।
इसके अलावा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा वो कास्ट सर्टिफिकेट केवल और केवल ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का ही एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 12 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी कोई सी भी एससी और एसटी का कितना भी पुराना हो चल जाएगा, चाहे 10 साल पुराना हो या 15 साल पुराना हो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन एससी एसटी में ही चलेगा, बाकी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक साल ज्यादा पुराना नहीं चलने वाला। इसके अलावा अभी पैरामेडिकल की काउंसलिंग 24 मार्च तक चलेगी, 24 मार्च तक पैरामेडिकल की काउंसलिंग चल रही है, यानी कि 24 मार्च को लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की। किसकी? पैरामेडिकल की लास्ट डेट कितनी है रिपोर्टिंग की? 24 मार्च है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है वो 24 मार्च तक अपनी रिपोर्टिंग कर लीजिए, लास्ट डेट 24 मार्च है। 11 मार्च से आपके रिजल्ट आ गए, अलॉटमेंट लेटर आ गए थे, और अभी तक आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं की हो तो आप सभी रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप ये लिस्ट जो आपके सामने है इसमें कहीं भी गैप सर्टिफिकेट का डिस्कस नहीं किया हुआ है, गैप सर्टिफिकेट का मेन मुद्दा था, तो गैप सर्टिफिकेट देख सकते हो। उसमें प्रोविजनल कास्ट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यानी कि पीएच कैंडिडेट के लिए होता, हर किसी के लिए लागू नहीं होता। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका राज्य का, जो कोई से भी राज्य से उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ही बोलूँगा कि अभी भी कोई भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मत बनाना, क्योंकि काउंसलिंग का भी कोई पता नहीं है, कभी भी काउंसलिंग हो सकती है। जब भी काउंसलिंग होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी RHS यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, BSc नर्सिंग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ के एग्जाम के फॉर्म निकाल चुकी है, तो शायद हो सकता है इस बार आपकी काउंसलिंग इनके एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, यानी कि फोर्थ ईयर बैच जब पास आउट होने के बाद आपका बैच या आपको एडमिशन दे, तो ऐसा भी हो सकता है, या उनके पेपर होने के बाद आपको एडमिशन दे, तो थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है। इस वजह से आप अभी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई भी मत बनाना। लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को निकलवा लीजिए, कहीं भी जहां भी हो वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपका, जो बहुत ही जरूरी रहने वाला आपके नर्सिंग काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के टाइम। तो ध्यान देना, आपको दो चीजें मैंने इसमें बताई, गैप सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, गैप सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज, एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसीलिए लेकर आया था, और आपकी काउंसलिंग के अलॉटमेंट लेटर की कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है तो 24 मार्च लास्ट डेट है, आप अपने काउंसलिंग का फॉर्म भर दीजिए, अपनी चॉइस फिल कर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करके, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस समस्या का समाधान करना है। हर समस्या का समाधान हम आपको करने के लिए तत्पर है, बस आपका हमारे प्रति जो रुझान है वो देखने के बाद ही। अगर आप चाहोगे तो हम किसी भी टाइम, आप जिस टाइम बोलोगे उस टाइम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका होता है हेल्प मांगने का, कि बार बार किसी को कॉल करना है ये एक तरीका नहीं होता, लेकिन हेल्प के लिए थोड़ी सी आप बोलोगे तो उसमें हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग करवानी है तो जल्दी से करवा लीजिए, कल साइड हैंग भी रह सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कल, तो आज ही आप काउंसलिंग करवा के अपना काम निपटा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स में एक बार जरूर शेयर करना। टेक केयर्स।